हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल राजगिरा के आटे का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आज हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाते हैं। यदि आपके घर में राजगिरे का हलवा पसंद नहीं करते हैं तो आप मेरी रेसिपी ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी जब भी आ रही है आपको पता लग सके। तो चलिए व्रत स्पेशल राजगिरे के आटे का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी घी लिया है, 2 कटोरी राजगिरे का आटा लिया है, 1 कटोरी शक्कर ली है, 1 ग्लास दूध लिया है, कुछ बादाम के टुकड़े लिए हैं, कुछ काजू के टुकड़े लिए हैं, 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। इस हलवा को बनाने के लिए आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से इसे बनाइए, जिससे आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और एक कढ़ाई में 1 कटोरी घी डालेंगे और उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। यहाँ मैंने शुद्ध देसी घी लिया है, जिससे कि हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ आप फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, ज्यादा हाई फ्लेम पर इसे ना भूनें। ये देखिए, आटे ने हमारे सारे घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे अभी हमें और भूनना है, जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और यह घी रिलीज नहीं कर देता। ये देखिए, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि इसका कलर कितना चेंज हो गया है और यह हल्का सा लिक्विडी हो गया है, समझे, यह परफेक्टली भून गया है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। इसकी खुशबू से भी आप इसकी सिकाई का पता लगा सकते हैं। इसमें से बढ़िया से खुशबू भी आ रही है, समझिए परफेक्टली भून गया है। अब इसके अंदर हम 1 ग्लास हल्का गर्म दूध डालेंगे, यह बॉइल्ड किया हुआ दूध है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि आटा हमारा सारा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। ये देखिए, आटे ने हमारे सारे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ आप ठंडा दूध यूज ना करें, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। हमेशा आप दूध जब भी डालें तो हल्का सा गर्म करके हलवे में डालें। और इसने हल्का सा घी रिलीज भी कर दिया है। अब इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ देर इसे हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि शुगर हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, शुगर हमारी हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम बादाम डालेंगे काजू डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और हमारा यम्मी एंड टेस्टी व्रत स्पेशल राजगिरे के आटे का हलवा बनकर तैयार है। देखिए ये कितना झटपट बन गया, इसे बनाना बहुत आसान है। अब इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और हमारा हलवा बनकर तैयार है। मैंने और भी व्रत स्पेशल रेसिपीज बना रखी है, जिन्हें आप झटपट बना सकते हैं। इन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसे व्रत में जरूर बनाकर खाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।